बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इनपुट आउटपुट चैनल्स का लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, मूवमेंट। मूवमेंट आल्सो इफेक्ट हाउ वी इंटरेक्ट विद कंप्यूटर। तो देखते हैं मूवमेंट है क्या। मूवमेंट सिंपल वर्ड्स में कहें तो टाइम टेकन टू रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, जिसमें हमारे पास दो फैक्टर्स आते हैं, रिएक्शन टाइम एंड मूवमेंट टाइम। ओके, अगर आपको याद हो तो वीएन के टॉपिक में हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी कि फील्डर जब बॉल को कैच करने की कोशिश कर रहा होता है तो वो क्या करता है कि बॉल की डेप्थ एंड हाइट वगैरह को कैलकुलेट कर रहा होता है। वही एग्जांपल मैं यहां पे कोट करना चाहूंगा, उस एग्जांपल को मूवमेंट को यूज करते हुए देखते हैं कि जब बॉल आपकी तरफ आ रही होती है, ठीक है, वहां पे आपका रिएक्शन टाइम और मूवमेंट टाइम बहुत मैटर कर रहा होता है। रिएक्शन टाइम क्या मीन, आप जहन में ही कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि ये बॉल कौन सी साइड आ रही है, गिरेगी कौन सी साइड, मैं कौन सी साइड भागूं, ठीक है, ये रिएक्शन टाइम होता है। और मूवमेंट टाइम क्या है कि आपकी मूवमेंट कितनी फास्ट है, आप कितनी तेजी से बॉल की तरफ जाते हैं। अगर आप स्पीड के साथ जाएंगे तो आप कैच कर लेंगे, अदरवाइज कैच आप ड्रॉप कर देंगे, ऐसा ही होता है ना। तो ये जो रिएक्शन टाइम प्लस मूवमेंट टाइम होता है, ये जो हमारे फील्डर्स बाउंड्रीज पे खड़े होते हैं उनके लिए बहुत कम होता है। उन्होंने एकदम से रिएक्शन टाइम कैलकुलेट करके मूवमेंट अपनी शो करनी होती है, ठीक है। अब ये जो मूवमेंट टाइम हम कह रहे हैं, ठीक है, ये डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे, वन इज एज एंड सेकंड इज फिटनेस। इसीलिए हम कहते हैं कि टीम में हमेशा यंगस्टर को सिलेक्ट करें क्योंकि उनका मूवमेंट टाइम जो है ज्यादा होता है। लेकिन हमने टीम से सिर्फ फील्डिंग तो नहीं करवानी होती, बैटिंग और बॉलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बैटिंग और बॉलिंग के लिए ज़ाहिर एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, तो वो एक अलग चीज़ है टीम का सिलेक्शन कैसे होता है। लेकिन ये जो एक पॉइंट है कि खिलाड़ी को फिट होना चाहिए और क्या नाम है, यंगस्टर जो हैं वो ज़्यादा टीम में होने चाहिए, उसकी रीज़न यही होती है कि उनका रिस्पांस टाइम और उनका मूवमेंट टाइम जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है। ओके, अब बात करते हैं रिएक्शन टाइम की। तो रिएक्शन टाइम जो है इट डिपेंड्स ऑन स्टिमुलस। स्टिमुलस को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्टिमुलस जो है ये ऑडिटरी भी हो सकता है, ठीक है, उसके बाद विजुअल भी हो सकता है और पेन भी हो सकता है। अगर तो ये ऑडिटरी है उस टाइम इसकी रेंज 150 मिलीसेकंड या इससे कम हो सकता है, ठीक है। व्यूल का स्टिमुलस जो है वो 200 मिलीसेकंड और पेन का स्टिमुलस जो है ये सबसे ज्यादा होता है 700 मिलीसेकंड होता है, ठीक है। अब मूवमेंट में एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फिट्स लॉ। इसको देखते हैं कि ये कंप्यूटर फील्ड में क्या रोल प्ले कर रहा है। मूवमेंट टाइम इक्वल टू ए प्लस बी लॉग ऑफ टू डिस्टेंस अवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। फिट्स लॉ ये बात कहता है कि जैसे जैसे टारगेट बढ़ता जाएगा डिस्टेंस जो है वो कम होता जाएगा। जब डिस्टेंस कम होगा तो मूवमेंट टाइम भी कम हो जाएगा। यहां एक एग्जाम्पल कोट करता हूं। जैसे आप देखें कि जो फील्डर विकेट्स के करीब खड़ा होता है, ठीक है, उसके लिए बॉल का निशाना लगाना इजी होता है एज कंपेयर टू के उस खिलाड़ी के जो विकेट से बहुत दूर है, ठीक है, उसके लिए टारगेट भी दूर होता है और निशाना लगाना भी थोड़ा उसके लिए डिफिकल्ट होता है। यही बात होती है ना, टारगेट करीब है, मूवमेंट टाइम क्या हो गया, कम हो गया। टारगेट दूर है, मूवमेंट टाइम ज्यादा हो जाएगा क्योंकि हम लोग निशाना बांधने में टाइम ज्यादा लगा देंगे, तो मूवमेंट हमारी फिर क्या हो जाएगी, उसका टाइम ज्यादा हो जाएगा। दैट इज फिट्स लॉ। अब अगर मैं, ये तो था कि नॉर्मल रूटीन एग्जांपल, यहां पे
अगर माउस की एग्जाम्पल कोड करूं तो माउस का क्या काम है, माउस का एक ही काम है क्लिक करना। तो अगर हमारे पास कोई आइकन या कोई लिंक उसकी विजिबिलिटी जो है वो ज्यादा है, बड़ी है, ठीक है, तो हम इजीली क्लिक कर लेंगे। लेकिन अगर कोई आइकन छोटा है तो उस पर क्लिक करने में हमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। आइकन या फिर कोई भी ऐसी चीज जिस पे हम क्लिक करना चाह रहे हैं और वो साइज में छोटी है तो वहां पे क्लिक करते हुए हमें प्रॉब्लम होता है। जो लोग ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं ना, उन लोग को अंदाजा होगा कि जब हमने डॉट पे क्लिक करना होता है, ये डॉट पे वर्क करना होता है, या फिर किसी पिक्चर के कॉर्नर पे वर्क करना होता है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं कि उसको जूम करके तो फिर अपना रिक्वायर्ड एक्शन परफॉर्म करते हैं वहां पे। इसी तरह काम कर रहे होते हैं ना। तो आप अगर अपनी बुक में देखें ना, तो आपको ये चीज मिल जाएगी कि फिट्स लॉ जो है वो हमारे जो डिजाइनर्स हैं उन्हें कहता है, उन्हें ये कह रहा है कि उन्हें पता होना चाहिए कि कौन सा बटन कहाँ पे होना चाहिए, कौन से बटन की क्या पोजीशन होनी चाहिए। आप जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो जब सिस्टम ऑन होता है, सिस्टम ऑन होने के बाद आपको स्क्रीन पे जितने भी बटन नजर आ रहे होते हैं ये सब फिट्स लॉ के अकॉर्डिंग डिजाइन हुए हुए हैं। जैसे आपका स्टार्ट बटन है, इट्स अकॉर्डिंग टू फिट्स लॉ। ओके, दैट्स द एंड ऑफ योर इनपुट आउटपुट चैनल्स। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट सेकेंड पार्ट ऑफ ह्यूमन मॉडल और सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ह्यूमन। फर्स्ट एलिमेंट इज इनपुट आउटपुट चैनल, जिसमें हमने थ्री ह्यूमन सेंसेस जो HCI में यूज होते हैं बहुत डिटेल में स्टडी किए हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन मेमोरी, जिसमें हम ये देखेंगे कि ह्यूमन मेमोरी होती क्या है, कितनी टाइप्स की होती है, HCI में ह्यूमन मेमोरी कहाँ पे यूज होती है। ठीक है, इस तरह की जो चीजें हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, वो हम अपने क्लियर करेंगे। तो पहले देखते हैं मेमोरी क्या होता है। मेमोरी इन्वॉल्व इनकोडिंग एंड रिकॉलिंग नॉलेज एंड एक्टिंग एप्रोप्रिएटली। ओके, तो ये जो प्रोसेस है जिसमें आप चीजें याद करते हैं और फिर उस इंफॉर्मेशन पे जब अमल करते हैं, दिस इज मेमोरी। सिंपल वर्ड्स में कहें तो मेमोरी इज एबल टू रिमेम्बर। अब यहां पे कुछ क्वेश्चंस अराइज करके मैं आप लोग की अटेंशन गेन करना चाह रहा हूं कि क्या हम हर चीज को रिमेम्बर करते हैं? हम जो चीज भी देखते हैं, हर उस चीज को, हर उस मोमेंट को रिमेम्बर करते हैं? क्या हर चीज, हर इंफॉर्मेशन वो हमारी मेमोरी में स्टोर होती है? आप बताएं। अब क्या आप बता सकते हैं कि लास्ट ईयर की 15 दिसंबर को आपने क्या किया था? 99% चांस है कि आपको नहीं याद कि उस दिन आपने क्या किया था। यही बात है ना। तो इन सब क्वेश्चंस के बाद हमें क्या चीज पता चलती है? हमें ये चीज क्लियर होती है कि ह्यूमन जो चीजें याद करता है, या हम लोग जो चीजें याद करते हैं, वो किसी सिलेक्शन की बेस पे याद करते हैं, फिल्टरिंग हो रही होती है। हर चीज हमें याद नहीं रहती और ना ही हम हर चीज को याद करते हैं। ओके ओके, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ह्यूमन मेमोरी। इसे टाइप्स ऑफ ह्यूमन मेमोरी भी कहते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन मेमोरी भी कहते हैं, एंड मॉडल ऑफ ह्यूमन मेमोरी भी कहते हैं। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ह्यूमन मेमोरी। फर्स्ट वन इज सेंसरी मेमोरी, सेकंड इज शॉर्ट टर्म मेमोरी, एंड थर्ड इज लॉन्ग टर्म मेमोरी। वन बाय वन पहले तीनों मेमोरीज को अंडरस्टैंड करते हैं। सेंसरी मेमोरी, सेंसरी मेमोरी इज बेसिकली belongs to human senses। फाइव सेंस हैं ह्यूमन के पास, जो चीजें हम टच कर रहे होते हैं, उसके बाद हम फील कर रहे होते हैं, हम व्यू कर रहे होते हैं, सेंसरी मेमोरी उनसे बिलोंग करती है, हमारे सेंसेस से बिलोंग करती है। सेंसरी मेमोरी बेसिकली इट इज लाइक अ इनपुट बुफर। यहां इंफॉर्मेशन टेम्परेरीली स्टोर होती है, मीन
कुछ सेकंड्स के लिए होती है या कुछ घंटों के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। उसके बाद सेंसरी मेमोरी फ्लैश हो जाती है। तो जब हम किसी भी अपनी सेंसरी मेमोरी पे अटेंशन देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में, और इसे वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है उसका ड्यूरेशन ईयर्स में होता है, ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन होता है उसका। तो जब हम शॉर्ट टर्म मेमोरी या लॉन्ग मेमोरी को रिहर्सल करना स्टार्ट कर देते हैं, बार बार उसे याद करना शुरू कर देते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। अब यहाँ पे एक एग्जांपल कोट करूंगा जिससे आप लोग को ये तीनों मेमोरीज क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ, तो जब मैंने आप लोग को कहा कि हम लोग आज सेकेंड जो पार्ट ऑफ ह्यूमन मॉडल है वो स्टडी करेंगे, दैट इज ह्यूमन मेमोरी, ये मैंने आप लोग को टॉपिक बताया, तो दैट इज सेंसरी मेमोरी, जो आपने इनपुट ली, लिसन की, ठीक है, या फिर व्यू की, अपने सेंसेस को यूज किया, आपके पास क्या आया, एक इनपुट आई। अब जब मैंने आपको मेमोरी की डेफिनेशन बताई, कुछ क्वेश्चंस अराइज किए, कुछ सिनेरियोज आपके सामने रखे, तो आपकी अटेंशन बिल्ड हुई, वो क्या हो गया, शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो रिहर्सल लॉन्ग टर्म मेमोरी। जब हम लोग आगे लेक्चर स्टार्ट करेंगे, इसके हमारे मल्टीपल लेक्चर्स होंगे इस टॉपिक पे, तो कुछ टर्म्स, कुछ डेफिनेशंस हम बार बार रिपीट करेंगे, बार बार हम मेमोरी यूज कर रहे हैं ह्यूमन मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में हमने ये स्टडी किया था, सेंसरी मेमोरी में हमने ये स्टडी किया था, लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये स्टडी किया है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये सिनेरियो होते हैं, इस तरह करते हैं, उस तरह करते हैं, तो ये सारी चीजें फिर क्या है कि ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में आएगा कि ओके, सेंसरी मेमोरी, सेंसरी मेमोरी एक्ट एज अ बफर एज वी स्टडी एंड रिसीव्ड इंफॉर्मेशन थ्रू सेंसेस। सेंसरी मेमोरी एग्जिस्ट फॉर ईच सेंसरी चैनल। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंसरी मेमोरी। फर्स्ट वन इज आइकॉनिक मेमोरी, सेकेंड इज इकोइक मेमोरी एंड थर्ड इज हैप्टिक मेमोरी। आइकॉनिक मेमोरी इज इट्स फॉर विजुअल इंफॉर्मेशन, ऑल विजुअल इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन आइकॉनिक मेमोरी। इकोइक मेमोरी रिलेटेड टू ऑडियो एंड ओरल इंफॉर्मेशन, ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन इकोइक मेमोरी। हैप्टिक मेमोरी, टच वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि हैप्टिक, टच को हैप्टिक भी कहते हैं, सो मेन टच, ऑल टच रिलेटेड सेंसरी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन हैप्टिक मेमोरी। ओके, देन वन मोर पॉइंट इज These memories are constantly overwritten by new coming information. जैसे जैसे नई information add होती है, ये जो information है ये overwrite होती रहती है। Basic function sensory memory का क्या है? Sensory memory का basic function ये है to process for basic physical characteristics. Capacity इसकी large होती है, it can hold many items at once. Mean we can touch many items at same time, but we have sense to identify each and every object, right? This is sensory memory. जैसा कि आपको मैंने पीछे भी बताया था कि सेंसरी मेमोरी का जो ड्यूरेशन होता है ये बहुत शॉर्ट होता है, सेकेंड्स में भी होता है, घंटों में भी होता है, तो विजुअल इंफॉर्मेशन के लिए इसका जो ड्यूरेशन होता है 2 सेकेंड होता है, और ऑडिटरी इंफॉर्मेशन के लिए इसका ड्यूरेशन 3 सेकेंड होता है। मीन 3 सेकेंड्स में हम किसी भी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दैट्स ऑल द कंसेप्ट ऑफ सेंसरी मेमोरी। ओके, अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी, हाउ इट वर्क्स। इट इज आल्सो कॉल्ड वर्किंग मेमोरी। ओके, सो द फंक्शन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी इज कॉन्शियस प्रोसेसिंग। इट इज एवरीथिंग यू आर थिंकिंग at the current moment, this is stored in short term memory because वहां पे आपकी attention use हो रही होती है, and short term memory needs your attention,
इट टेक्स लेस देन 1 मिनट टू प्रोसेस. शॉर्ट टर्म मेमोरी डिसअपीयर रियली फास्ट. एग्जाम्पल एक यहाँ पे कोट करता हूँ कि आपने कोई मूवी देखी, ठीक है, तो क्या होगा कि मूवी कुछ देर के बाद आपको मूवी के कुछ सीन्स जो होते हैं वो याद रहते हैं कुछ टाइम के बाद, ठीक है, आपको मूवी के कुछ सीन्स जो हैं वो क्लियरली याद होते हैं, लेकिन कुछ पार्ट जो है मूवी का वो आपको याद नहीं होता, या फिर थोड़ा सा धुंधला सा आपको याद होता है, आधा आधा के, अच्छा वहाँ पे ये बात हुई थी, वो पॉइंट मुझे याद है, उससे आगे मुझे याद नहीं है, ठीक है, ऐसी ही बात होती है ना. तो दैट्स इज़ योर शॉर्ट टर्म मेमोरी. इसकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है फॉर इंफॉर्मेशन स्टोरिंग. कितनी कैपेसिटी होती है इसकी, यहाँ पे देखें 70 मिलीसेकंड टू 200 मिलीसेकंड ओनली. ओके, दैट्स द ऑल आवर कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी. ओके, अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी. लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर्स फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, प्रोसीजर रूल्स ऑफ बिहेवियर. ओके, इनफैक्ट एवरीथिंग दैट वी नो, ये सब चीजें कहाँ स्टोर होती हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी में. लॉन्ग टर्म मेमोरी इज बेसिकली ह्यूज बट नॉट अनलिमिटेड. ओके, इट हैज स्लो एक्सेस टाइम, अप्रोक्सीमेटली 10 सेकेंड होते हैं इसमें. लॉन्ग टर्म मेमोरी में बहुत कम चांस होते हैं कि आप कोई चीज भूल जाएं. हमने कहा कि लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है, एवरीथिंग दैट वी नो. अगर हम कोई चीज़ जानते हैं इसका मतलब है वो चीज़ हमें याद है, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में बहुत कम चांस होते हैं कि आप कोई चीज़ भूल जाएं. लॉन्ग टर्म मेमोरी में लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर होता है, ठीक है, क्योंकि जाहिर है हमारी जितनी भी लाइफ है उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, कुछ अच्छा टाइम कुछ बुरा टाइम जो हमें याद है, जितना भी हमारा लाइफ स्पैम अभी तक गुजरा है जो हमें अपना याद है, वो सब किस में आ रहा है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ रहा है. तो इट मीन्स कि इसकी इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर हो सकता है. हमारी लाइफ के कुछ इवेंट्स जो हमें बचपन के कुछ इवेंट्स या फिर रिसेंटली कुछ इवेंट्स हों, हमें बहुत क्लियरली और बहुत अच्छे से याद होते हैं. क्यों? क्योंकि वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होते हैं. ओके, तो ये हमने ओवरव्यू लिया लॉन्ग टर्म मेमोरी का. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लॉन्ग टर्म मेमोरी का स्ट्रक्चर और उसकी प्रोसेसिंग वगैरह स्टडी करेंगे. दैट्स द एंड ऑफ योर लेक्चर. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.